you oh. वेलकम बैक दोस्तों दिवाली स्पेशल द ग्रैंड गोल्ड एडिशन ऑफ अल्टिगा आप लोग के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरा थैंक यू है ऑल ओवर इंडिया की मेरी फैमिली को जो दो साल भर की जर्नी ये हमने सोचा नहीं था कि इतने अल्टिगा में कॉन्सेप्ट हम कर पाएंगे बट जिस तरीके से ये गाड़ी है ये मेरा प्यार है ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है दिस इज माई लव दिस इज माई पैशन फॉर द कार मॉडिफिकेशन जो ये गाड़ी को मैंने मॉडिफाई किया हुआ है द फर्स्ट ग्रैंड गोल्ड एडिशन ऑफ अर्टिग इन मैग्मा ग्रे कलर साई ऑटो आज आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा है एंड प्राउडली एक एक लुक ये गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रेलर में एंट्री शॉट्स में क्या खास बात है आज दिवाली के दिन पे इस गाड़ी का वीडियो हम पोस्ट कर रहे हैं जो रिस्पांस जब ये गाड़ी मेरे वर्कशॉप पे थी जो भीड़ इसके आसपास जमा हो गई ऐसा लग रहा है कि मारुति की कोई न्यू कार लॉन्च हो गई है बट ये रेगुलर वी एक्स आई सी एन जी अल्टिगा है जो रोड पे चलती है इसको हमने मॉडिफाई किया हुआ है द ग्रैंड गोल्ड एडिशन स्टाइल पे, किस तरीके से एक एक चीज़ मैग्मा ग्रे जो मेरी खुद की गाड़ी का कलर है उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया हुआ है इसमें जो ग्रैंड का कॉन्सेप्ट है इट इज़ द कंप्लीट ग्रैंड इंटीरियर जो हमने किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं द फुल लग्जरी द फुल लाउंज द फुल फाइव स्टार इंटीरियर हैज़ बीन डन इन दिस अर्टिग कोई बोलेगा नहीं कि साढ़े दस लाख रुपए की ये गाड़ी है जो लेवल का इंटीरियर ये गाड़ी के अंदर हमने किया हुआ है द कम्प्लीट इंटीरियर ऑफ द कार हैज़ बीन चेंज्ड टू द एलमंड कलर कॉम्बिनेशन ये कलर था आप लोग देख सकते हैं जो क्लिप्स आते हैं कंपनी के द ओल्ड इंटीरियर वॉज़ इन द बेच कलर बट द न्यू कंप्लीट इंटीरियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन डन इन द कार चाहे स्टेयरिंग हो चाहे दरवाजे हो चाहे डैशबोर्ड हो चाहे गेयर हो चाहे सीट कवर हो चाहे मैटिंग हो या चाहे छोटे से छोटा फाइबर का टुकड़ा हो गाड़ी में से उसको निकाल करके वी हैव कोटेड द फुल डोर इन द आलमंड कलर कॉम्बिनेशन लुक देख सकते हैं कि आज तक क्या था खाली एलमंड लेदर हम लगा देते दे थे बेस कलर बेज ही रहता था वो तो अच्छा है और वो अच्छा ही रहेगा बट कस्टमर आए थे बोले मेरे पास ऑडी भी है मर्सिडीज़ भी है अर्टिगा लेनी है क्योंकि सी एन जी का आजकल टाइम चल रहा है इसको ऐसा कुछ बनाओ कि यार ऑडी में इंसान बैठना भूल जाए तो इसका इंटीरियर हम लोग देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त लेवल में हमने किया हुआ है द ग्रैंड गोल्ड एडिशन इंटीरियर इज प्रजेंटेड टू यू बाय साई ऑटो एक्सेसरीज एक चीज एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमने जो देखे ऑल द प्लास्टिक पार्ट्स जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स है गाड़ी में चाहे वो दरवाजे हो चाहे वो सीट के साइड के ये फाइबर्स हों चाहे वो पीछे के डिक्की का फाइबर हो ईच एंड एवरी फाइबर इन द कार हैज़ बीन हाइड्रोफोबिक कोटेड इन द एलमंड कलर किस तरीके से जो लोअर सेक्शन है गाड़ी का खाली आज तक हम लोग फाइव लेयर डैशबोर्ड तो देखते ही थे जिसमें वन टू थ्री फोर एंड फाइव एम्बियंस लाइट पे ख़त्म हो जाती थी बट द सिक्स लेयर डैशबोर्ड जिसमें जो लोअर सेक्शन भी है एक एक पैनल को कितनी फिनिशिंग से हमने कोट किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं चाहे वो हमारा डैशबोर्ड हो चाहे वो गेयर के इधर का हमारा पूरा कॉन्सोल हो जो जेड एक्स आई मॉडल का आमरेस्ट हम लगाते हैं द कम्प्लीट कॉन्सोल द कम्प्लीट हैंड ब्रेक एंड छोटे छोटे जो हमारे टुकड़े हैं छोटे छोटे जो हमारे पार्ट्स हैं चाहे वो ए सी ग्रिल हो चाहे वो ग्रिपिंग हैंडल्स हो हर उस छोटे पार्ट को गाड़ी से बाहर निकाल कर हमने एलमंड कलर में कोट किया हुआ है एंड ये गाड़ी का लुक आप लोग देख सकते हैं कि कस्टमर आए जब डिलीवरी लेने उनको आइडिया भी नहीं था दरवाज़ा उन्होंने खोला उन उनका एक ही रिएक्शन था वाओ कि कुछ चीज़ अगर खर्चा आप कर सकते हैं इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन एंड ये गाड़ी बनी हुई है मॉडिफिकेशन के लिए बाकी आप एक्सेल सिक्स लो वही ब्लैक इंटीरियर पूरा दिया हुआ है अल्टिगा में जो एक से एक कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमको मिलते हैं यू कैन जस्ट सी द गोल्ड एडिशन स्टाइलिंग किट किस तरीके से ईच एंड एवरी पैनल को हमने गोल्ड स्टाइलिंग किट से कोल्ड कोट किया हुआ है द ब्लैक विथ अ गोल्ड हाईलाइट राइट फ्रॉम द गेयर लीवर कंसोल जहाँ पे हम गेयर डालते हैं जो स्टेयरिंग है ये गाड़ी का द अपर पार्ट द अपर होल्डिंग पार्ट द लोअर ग्रिपिंग पार्ट द साइड पार्ट किस तरीके से हर उस पार्ट को हमने बारीकी से किया हुआ है ऊपर एंड नीचे गोल्ड का वर्क है साइड में हमारे लेदरिंग का वर्क है जो सेंटर कैप है वो हमारे कोटिंग से मैचिंग है एंड जो स्टेरिंग कंट्रोल का सेक्शन है वो भी गोल्ड इसमें हाइड्रोकोटेड है डैशबोर्ड ऑफ द कार हैज बीन लेदर रैप्ड इन द ब्लैक एंड द एलमंड कलर पहले पूरा डैशबोर्ड बेसिक बेज या फिर ग्रे कलर का आता था पिलर्स ए पिलर बी पिलर एंड सी पिलर और द सिक्स पिलर्स हैज बीन लेदर रैप्ड इन द ब्लैक कलर दरवाजों में लेदरिंग का वर्क देख सकते हैं टॉप गियर ब्रांड के डोर ट्रिम्स हमने लगाए हैं किस तरीके से एक न्यू पैटर्न जो लास्ट वीडियोज में हम देखते आ रहे हैं हमने इंटीग्रेट किया हुआ है आप लोगों के सामने है पाँव रखने वाली मैटिंग जो हमने लगाई हुई है वो भी टॉप गियर ब्रांड की है इन द एलमेंट कलर पाँव इसके ऊपर रखा कचरा वगैरह जो भी जमा होता है द अपर पार्ट इज रिमूवेबल एंड ईजी खाली एक सीट कवर एक मैट एक स्टेरिंग एक आमरेस्ट के ऊपर का कपड़ा हर चीज को मैच करने से कितना ब्यूटीफुल लुक आ जाता है गाड़ी में हम लोग देख सकते हैं बट मॉडिफिकेशन जो हमने ये गाड़ी के अंदर की हुई है रूफ द कंप्लीट रूफ ऑफ द कार Inside the complete roof has been coated in the black velvet. जो पहले beige roof आती थी वो हमारे tone के साथ interior के साथ indulge नहीं होती है so पूरी roof को हमने एक black velvet में coat किया हुआ है एक्सटीरियर लुक ऑफ द कार पे भी हम आएंगे बट एक एक पीछे के दरवाजे की फिनिशिंग देख सकते हैं एक एक सीट कवर के मिडल रो सेक्शन की फिटमेंट देख सकते हैं कितने beautiful तरीके से हमने की द क्रॉस एडिशन ग्रिल मैग्मा ग्रे कलर की गाड़ी के ऊपर फर्स्ट एक साल के ऊपर हमने वाइट कार पे देखी बट सिल्वर कार पे देखी एक मैग्मा ग्रे गाड़ी के ऊपर जो क्रॉस एडिशन ग्रिल का लुक है जो एस क्रॉस का लुक देती है आगे से गाड़ी को देखिए ये सब चीज़ें जब कंबाइन होती है हमारे 200 से ऊपर वीडियो हैं अर्टिका के हर वीडियो में कुछ अलग चीज़ हमने लॉन्च की हुई है ये सब जब जुड़ के गाड़ी में लगती है तो उसको बोलते हैं द ग्रैंड गोल्ड एडिशन डिफ्यूजर्स ये गाड़ी के अंदर देख सकते हैं मैगमा ग्रे विद द सिल्वर हाईलाइट खाली जो क्रॉस एडिशन की ग्रिल है कंपनी की ग्रिल के ऊपर ही लगती है कोई हमने कंपनी की ग्रिल को रिप्लेस नहीं किया हुआ है बट आगे से जो मस्क्युलर लुक मिल रहा है गाड़ी को मॉन्स्टर हेडलाइट के साथ जिसमें दो डी हमने लगाई हुई है एक ही हेडलाइट में एक प्रोजेक्टर कंपनी का था दूसरा प्रोजेक्टर हमने लगाया है दोनों प्रोजेक्टर्स को गोल्ड रिंग के कोट हमने दिए हुए हैं फोक ग्लैम्स ये गाड़ी में नहीं लग के आती है एम सिक्स वन सेवन एल ई डी प्रोजेक्टर इसके अंदर हमने, है। हमने लगाए हैं डी आर एल्स हमने लगाई हैं फोक लाइट के बाजू बट ये गाड़ी का जो मेन नाम है जो इसका लुक है इज़ बिकॉज ऑफ द एम यस ए मोटर्स जो मेड इन थाईलैंड की कंपनी है उसके जो वीलाक पेंडर्स हमने लगाए हुए हैं ये गाड़ी के अंदर डबल कलर में मैग्मा ग्रे जो बॉडी का कलर है एंड थोड़े से जो गोल्ड के इसमें हमने शार्प शार्पल्स डिजाइन किए हुए हैं किस तरीके से इसका लुक आ रहा है गाड़ी पे आप लोग देख सकते हैं और फिर से मैं बोलता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है कमेंट किए बिना आज अगर आप चले गए तो कुछ मिस आप लोग ने कर दिया है सो एलॉय व्हील्स जो व्हीलर फेंडर टायर के ऊपर जो साइड डोर क्लेडिंग्स जा रही है दरवाजे में मैग्मा ग्रे विद द सिल्वर जो थोड़े से कार्बन फाइबर के टचेस हमने दिए हैं चाहे वो हैंडल हो वो कार्बन फाइबर में कोटेड है चाहे वो मिरर्स हो वो कार्बन फाइबर में कोटेड है चाहे वो टेल लाइट का बॉर्डर हो कार्बन फाइबर में कोटेड है पीछे का जो लुक है गाड़ी का विद द गैलेक्सी टेल लाइट एंड द टेल बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ऑल द सेवन पैनल्स हैल ई डी दिन में हम लोग है रात को तो हर वीडियो में हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से इसका जो ऑन होने के टाइम पे लुक है यू कैन जस्ट सी द इंट्रोडक्शन शेप डिफ्यूजर जो पीछे से इस गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिफ्यूज़र का मतलब ये आपकी गाड़ी थी ये हमने बम्पर लगाया है इतना बड़ा जिसमें दो एग्जॉस्ट भी है लुक के लिए तीन ब्लॉक्स भी है एक दो और तीन जो एक्सेल सिक्स में आते हैं एंड फुल कवरिंग ये आप देता है पीछे का पैनल हमने ब्लैक किया है जैसे एक्सेल सिक्स में आता है ये वी एक्स आई सी एन जी मॉडल गाड़ी को हमने जेड एक्स आई में कन्वर्ट किया है वाइपर ये गाड़ी में नहीं लग के आता है द मारुति जेन्यून वाइपर विद द वाटर कनेक्शन With the water spray. आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका मोमेंट है द रियर वाइपर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द कार साइड का जो हमने पैनल थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ है किस तरीके से साइड लुक में थोड़ी सी ब्लैक की ग्रूविंग्स के साथ खाली थोड़ा सा ब्लैक हाईलाइटिंग हमने दी है बॉडी टच रूफ रेल्स के साथ जो बॉडी से एकदम इंटैक्ट आती है 15 इंच मारुति जेन्यून अलॉय व्हील्स के साथ जो मैग्मा ग्रे कलर के आते हैं एक एक लुक गाड़ी का कितना ज़बरदस्त हमको उठ के आ रहा है आप लोग देख सकते हैं इसका नाइट मोड भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से है जो टच स्क्रीन एन्फोटेनमेंट भी ये गाड़ी के अंदर हमने लगाया हुआ है ब्लॉपंग का फोर जी बी रैम जो सेंटा रोज़ा हमारा मॉडल है जो टोटली न्यू लॉन्च है एक ब्रांड में अगर हमको जाना है तो ब्लॉपंग इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड सो ब्लॉपंग की लारे को तो आप लोग ने देखा ही था बट सेंटा रोज़ा विच इज़ अ वेरी हाई स्पीड विथ फोर जी बी रैम एंड एप्लीकेशन्स में आपके प्ले स्टोर यूट्यूब जी पी आर एस कैमरा भी उसी कंपनी का है ब्लॉपंग का डोम जो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है किस तरीके से इसकी फिटमेंट है एंड इसका इंटरफेस है चार पांच फीचर जो रेगुलर इसमें दिए हुए नहीं हैं और ब्लॉपंग में आते हैं 360 डिग्री कैमरा को ये सपोर्ट करता है एंड जो साउंड स्पीकर्स कंपनी के ही अगर आपके हो तो एक इक्विलाइजर इसमें ऐसा दिया है जो उसको ही वूफर के जैसा आप प्ले कर सकते हैं एंड फोर जी रैम जो हैंग नहीं होता है स्लो नहीं होता है ब्लॉपंग डिज़ाइन इन जर्मनी द सेंटा रोज़ा मॉडल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन दैरिंग का गेटअप द ट्वेंटी पीसेस इंटीरियर स्टाइलिंग किट विद द प्यानो ब्लैक ए सी ग्रिल पियानो ब्लैक स्पीडोमीटर कर गेयर के इधर का जो हमने गोल्ड सेक्शन में किया हुआ है रैब जो हमारे ट्यूटर पॉट्स आते हैं उनको भी पियानो ब्लैक किया हुआ है यू कैन जस्ट सी द लुक ऑफ द कार एंड एक कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि ग्रैंड गोल्ड एडिशन का थीम आप लोगों को कैसा लग रहा है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो इसका नाइट व्यू भी हम देखेंगे एंड कस्टमर इंटरव्यू भी हम लोग देखेंगे So, दिन का हम लोग ने देखा था बट जो ये गाड़ी का नाम है द ग्रैंड गोल्ड एडिशन ऑफ अल्टिगा जो नाइट व्यू है इसका जो DRLs का हमने किया हुआ है जो का इंट्रोडक्शन है जो एम्बियंट लाइट का गेटअप है खाली जब डी आर ऑन होती है किस तरीके से इस कार का नाइट लुक है हम लोग देख सकते हैं एक हेडलाइट में दो डी आर एल एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ एक प्रोजेक्टर कंपनी का लगा हुआ था सेकेंड हमने लगाया हुआ है द मॉन्स्टर हेडलाइट सेटअप विथ टू गोल्ड रिंग्स इन द कार फोक लाइट एम सिक्स वन सेवन एलईडी प्रोजेक्टर इसके हमने लगाए हैं जिसकी ये डी राउंडिंग्स हम लोग देख सकते हैं जो रोड पे फोकस हमको दिख रहा है बट जो ये गाड़ी का इंडिकेटर वेन यू टर्न ऑन द टर्न लाइट मोड द राइट हैंड साइड द लेफ्ट हैंड साइड एक एक लाइट्स का जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने किया है बट गाड़ी मैं आप लोग को बोलता हूं हर बार इनकम्प्लीट है अधूरी है जब गैलेक्सी टेल लाइट विद गैलेक्सी टेल बार इसमें नहीं लगेगा टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन वेन दीज लाइट्स आर ऑन आप लोग देख सकते हैं कि ऑल द सेवन पैनल्स एक दो तीन चार पांच छ और सात के सात पैनल्स इल्यूमिनेटेड है और ये एक नहीं आज हमारे पास छ अर्टिग आई हुई है हर गाड़ी में वो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस कि ये सेंटर में इसमें नहीं आती है अर्टिग में बट जब हमने इसमें लगाई हुई है तो किस तरीके से इसका लुक जो एम्बियंट लाइट का गेटअप है ये गाड़ी के अंदर यू कैन जस्ट सी द डोर्स द डैशबोर्ड ईच एंड एवरी पैनल हैज़ बीन एलुमिनेटेड विथ अ गेटअप ऑफ अ एम्बियट लाइट एक एक हैंडल जहाँ से खुलता है और जो हमारी मैट्रिक्स स्कफ प्लेट है जो राइट लेफ्ट एन द मोमेंट किस तरीके से ये इंट्रोडक्शन्स हैं अर्टिग के अंदर हम लोग देख सकते हैं पूरे इंटीरियर को हमने कोट किया है एक लग्जरी साठ सत्तर लाख की गाड़ी का एक करोड़ रुपए की गाड़ी का जैसे इंटीरियर आता है वैसा इंटीरियर एक साढ़े दस लाख रुपए की सी गाड़ी के अंदर हमने किया हुआ है तीन दिन का समय हमको लगा है ये गाड़ी को बनाने के लिए मेहनत काफ़ी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से इसका इंटीरियर एंड लाइट्स का भी हमने प्रिव्यू देखा है कि किस तरीके से है सो स्टेट ग्रैंड गोल्ड एडिशन ऑफ अर्टिगा द फर्स्ट एडिशन जो हमने तैयार की हुई है गोल्ड एडिशन तो हमने बहुत देखे बट ग्रैंड जिसमें जो लग्जरी इंटीरियर एक ग्रैंड्योर लुक हमने दिया हुआ है सागर जी भी है हमारे साथ ओनर ऑफ द कार तीन से चार दिन मेरे पास छोड़ के गए थे और आज दिवाली का दिन है स्पेशली आज लेने आए हैं गाड़ी को कोई चीज़ में मना हमको बिल्कुल भी नहीं किया गया है उन्होंने बोला सब वीडियोस देखे हुए हैं मैं आउट ऑफ सिटी था मेरे ब्रदर्स थे फिर भी फ़ोन पे ही मेरी बात हुई थी मैं तो आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ जो गाड़ी को हमने तैयार किया हुआ है चाहे वो ग्रिल हो चाहे वो व्हील आर्क फेंडर्स हो बट जो इंटीरियर आप लोग को मैंने बताया हुआ है किस तरीके से इस ग्रैंड गोल्ड एडिशन को हमने प्रेजेंट किया है ओनर ऑफ द कार भी हमारे साथ में है कैसी लग रही है सर गाड़ी आज आप आए हैं देखने के लिए इतने दिनों के बाद जो डिलीवरी लेने के टाइम पे जो फर्स्ट लुक था गाड़ी का रिएक्शन था ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है और गाड़ी कैसी लग रही है गाड़ी वैसे बढ़िया है मतलब अभी तक तो ऐसा गाड़ी कभी देखा नहीं था वैसा ने बना के दिया उसको मतलब हटके ही है पूरा ऐसा कभी गाड़ी शायद ही हमारे का कौन सा रहेगा सो so, आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से ये गाड़ी का हमने इंटरव्यू भी देखा है एक एक चीज जो लगी है कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया हुआ इंटीरियर कैसा लग रहा है अंदर बैठने के बाद कैसा कसी का गाड़ी एक नंबर है ओवरऑल ओके थैंक यू करेंगे सागर जी आपको दूर से आप आए हैं सर से हमारे पास आए हुए हैं गाड़ी का मॉडिफिकेशन के लिए सो so, एक बार फिर हम व्यूअर्स को थैंक यू करेंगे एंड लाइक वगैरह जरूर करना चाहिए जितने जितना सर से हम लोग देख रहे हैं रोहित सर और प्रमोद सर को गाड़ी एक नंबर बनाते हैं लाइक like करना चाहिए वीडियो को वीडियो को लाइक करना लाइक like करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू